रूस में भव्य विक्ट्री डे की परेड शुरू हो चुकी है और मॉस्को में ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर इस विजय परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यीय दल शामिल हो रहा है। रूस के ही न्योते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हैं। बताएं कि पहले ये परेड 9 मई को होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! परेड का क्या महत्व है, चलते हैं सीधे। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, देखिए ये परेड हर साल होती है, ये विक्ट्री डे मनाया जाता है। इस साल 75वां साल है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गए हैं रूस इसको अटेंड करने। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय एक दल भी इस परेड में हिस्सा ले रहा है। नौसेना से, वायुसेना और थल सेना, तीनों से ट्राई सर्विस दल गया है जो कि इस परेड में हिस्सा ले रहा है। 19 देशों की सेनाओं से यहाँ पे जो है कर्मी आए हैं जो इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं और 60,000 से ज़्यादा सेना के लोग इन 19 देशों से आए हैं जो इस परेड का हिस्सा हैं। और मॉस्को ही नहीं बल्कि और शहरों में भी इस तरह की परेड निकाली जा रही है रूस में। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक चीनी दल भी है जो कि इस परेड में हिस्सा ले रहा है। तो ये बड़ी बात है कि इस समय जो हालात हैं भारत और चीन के बीच में, उसके बावजूद चीनी सेना और भारतीय सेना कदम से कदम मिला के कम से कम यहाँ पर तो दिख रहे हैं आज। ये जो परेड है ये सालों से प्रथा चली आ रही है। इस साल 75वां साल है, बल्कि राजनाथ सिंह से पहले भी कई भारतीय नेता इस
परेड को देखने जा चुके हैं और जो ये सेरेमनी होती है इसका हिस्सा रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बल्कि दो बार गए हुए हैं, एक बार 1995 में जब वो विदेश मंत्री थे और उसके बाद एक बार जब वो भारत के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी एक बार इस परेड का को जो है विटनेस किया था। तो भारत और रूस के जिस तरह के रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है भारतीय नेताओं को हमेशा न्योता दिया गया है, काफ़ी लोगों ने इसको अटेंड भी किया है। और ये परेड जो है वैसे तो 9 मई को हर साल निकाली जाती है, लेकिन कोविड के चलते इस साल इसमें थोड़ा विलंब था और वो पोस्टपोन कर दी गई और 24 जून को ये परेड हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, चलिए देखते हैं परेड। Парад смирно для встречи слева. Акра. У! Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ये कितनी गर्व की बात हिंदुस्तान के लिए भी। राष्ट्रपति दावेश अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है,
हिंदुस्तान के लिए कितने गर्व की बात है, क्योंकि जो 75 सदस्यीय टुकड़ी यहां पर हिस्सा ले रही है ये वही सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की मेजर रैंक के ऑफिसर हैं जो कि इसकी अगुवाई करेंगे, जिन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। जी बिल्कुल, भारतीय सैनिकों की वर्ल्ड वॉर में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर टू हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका एक रोल था और उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में रचे हुए हैं। और ये जो अलाइड फोर्सेस के साथ भारतीय सेना लड़ी थी, ये आज तक इसके बारे में बात की जाती है। और अलाइड फोर्सेस की जीत थी नाजी जर्मनी पर, फाइनली सरेंडर हुआ था 8 मई 1945 में, और उसके बाद जो है नाजी जर्मनी एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। और ये जो बात है कि 24 जून को क्यों रूस इसको मनाना चाहता था, पहली जो परेड हुई थी वो 24 जून को हुई थी, क्योंकि रूस का मानना था कि इसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन रूस का भी होना चाहिए, सिर्फ वेस्टर्न यूरोप में सीमित नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके बाद से ये रूस में भी 9 मई को ही ये परेड होती है, लेकिन रूस का महत्व 24 जून का ये ज़रूर है कि पहला जो कि परेड हुई थी वो 24 जून को की गई थी और उसके बाद से 9 मई को की जाती है। इस साल विलंब था कोविड के चलते, और भारतीय सेना का यहाँ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक रिमाइंडर है, रिप्रेजेंटेशन है, दर्शाता है कि भारतीय सैनिकों ने किस बहादुरी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और उनका महत्व बहुत ज्यादा। Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत अहम ये परेड मानी जा रही है, हम अभिषेक से भी बात कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए भी ये गर्व की बात है। जो 75 सदस्यीय टुकड़ी वहां पर इस वक्त इस परेड में हिस्सा ले रही है, उसकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर्स कर रहे हैं, वही रेजिमेंट जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। तो ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है, और खासतौर पर अगर देखा जाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संविधान में संशोधन भी होने वाला है।
आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय सेना ने, हालांकि उस समय वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने, और वो सैनिक, सिख लाइट इन्फेंट्री के वो सैनिक इस समय भी इस परेड में भाग ले रहे हैं। ये ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंटिजेंट है, 75 सदस्यों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समय वहां मौजूद है, और ये भारत और रूस की जो मैत्री है उसको दर्शाता है, और ये मैत्री जो बहुत प्रगाढ़ है, जो बहुत मजबूत है, दोस्ती भारत और रूस के बीच। नवजोत, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस समय हम लोग लद्दाख में हैं और चीन का जो आक्रामक यहाँ पर रवैया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक देश जिस पर भारत को सबसे अधिक विश्वास है वो रूस है, और वही रूस में इस समय जो बातचीत हो रही है वो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की, Su-30 लड़ाकू विमानों की, MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स की, और एक और परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है, भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों की बात हो रही है, फ्रिगेट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रॉयर्स की बात हो रही है। तो बहुत अहम है ये बैठक, और इसमें राजनाथ सिंह के मुताबिक, नवजोत, रूस ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरा प्रयास करेगा कि भारत को जल्द से जल्द ये सारे हथियार भी मिल सके। जो टाइमलाइन है उसको तो मेंटेन करेंगे ही, प्रयास ये रहेगा नवजोत कि टाइमलाइन से पहले भारत को युद्ध के हथियार मिल सके, और इसका एक इतिहास रहा है। आपको याद होगा नवजोत, 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो रूस ने अपनी सेना के T-90 टैंक निकालकर भारतीय सेना को दिए थे ताकि भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा कर सके। ये इतनी मजबूत एक साझेदारी है जो 1971 के युद्ध से लेकर 2020 तक लगातार मजबूत होती जा रही है। नवजोत, बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं गौरव, बिल्कुल ये बयां करती हैं, ये एक तरीके से सबूत है, हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती का सबूत है। परेड हो रही है और ऐसे में भारत की तरफ से 75 जवानों की टुकड़ी वहां पर परेड में शामिल हो रही है। गर्व की बात है, हमारे रक्षा मंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लेकिन खलबली चीन में मची हुई है इसको लेकर। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन में इसको लेकर खासी खलबली है। क्यों? हालांकि इस समय एक रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल भी चल रहा है, वहां पर चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद है जनरल पेंगे, लेकिन इस समय भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो चीन के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी ऐसे समय जब चीन निरंतर यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और लगातार घुसपैठ की साजिश भी रच रहा है, प्रयास भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में रूस ने यह कह दिया है, देखिए, चीन ने रूस से कहा कि वो भारत को हथियार न दे। चीन ने निरंतर रूस से ऐसा कहा है कि ऐसी परिस्थिति में वो भारत को हथियार न दे नवजोत, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वो न केवल हथियार देंगे बल्कि प्रयास करेंगे कि वो हथियार जल्द से जल्द भारत को मिल सके। और अगर हम S-400 एंटी मिसाइल शील्ड की बात करें तो वो दुश्मन के इलाके से आ रही, चाहे वो मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो या टोही विमान हो, तीनों चीजों को एक साथ गिराने में, ध्वस्त करने में सक्षम है। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, और लेकिन ये एक साथ दुश्मन के कई लड़ाकू विमानों को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को देख सकता है और उसको गिराने में सक्षम है। लेकिन इसको आने में लगभग साल सवा साल और लगेगा, ट्रेनिंग में भी समय लगेगा, लेकिन रूस भरसक प्रयास ये कर रहा है कि भारत को तेजी से तेजी, चाहे वो Sukhoi-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स, अगर मेरे पीछे जो लेह का एयरफील्ड है वहां से निरंतर ये Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स अभी उड़ान भर भी रहे हैं। मिराज 2000 तो फ्रांस में बने हैं, लेकिन उनके अलावा MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स और ये दोनों लड़ाकू विमान Su-30 और MiG-29 रूस हमें 33 और विमान दे रहा है, MiG-29 के एयर फ्रेम्स और अपग्रेडेड विमान और Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स 12 और अभी हम रूस से ले रहे हैं, और इससे इस क्षेत्र में भारत की सामरिक शक्ति और क्षमता बहुत तेजी से और बढ़ जाएगी। नवजोत, बिल्कुल, और इसीलिए देखा जा सकता है क्योंकि जिस भी मोर्चे पर हिंदुस्तान बात कर रहा है, जिस भी मोर्चे पर हिंदुस्तान चीन को जवाब दे रहा है, वहां पर एक कॉन्फिडेंस है जो कि झलक रहा है, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बातचीत हो, चाहे वो डिफेंस के तहत बातचीत हो, या फिर कूटनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं बातचीत हो, या फिर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस में पहुंचना हो, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है जो कि रूस दिलवारा हिंदुस्तान को, और ये बहुत बड़ी ताकत है जो चीन को जवाब देने के लिए सही होगी, और शायद इसीलिए गौरव वजह देखते हैं कि चीन अब थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा है।
जी हाँ, देखिए चीन पर हम विश्वास तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत और रूस का संबंध है, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस के साथ एक करार किया था और उसके तहत जब भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, साजिश तो की थी, लेकिन रूस ने उस समय अपनी दो डिवीजन चीन और रूस की सीमा पर लगा दी थी और चीन ये समझ गया था कि रूस भारत के साथ है और चीन दुबक के बैठ गया। ये 71 की बात थी। 1999 में भी रूस ने तेजी से हथियार और सामग्री और रसद भारत तक पहुंचाई थी। जो भारत के मेन बैटल टैंक्स है T-90 वो रूस ने 99 में हमें दिए थे। Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विक्ट्री डे परेड की, बहुत खास इस बार विक्ट्री डे परेड। और अगर दोनों नजरिए से देखा जाए, चाहे हिंदुस्तान या फिर रूस के नजरिए से देखा जाए, तो सबसे पहली बात 75 सदस्यीय टुकड़ी यहां पर जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सैनिक शामिल हुए हैं, वो अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं और इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। बहुत खास बात यह भी कि इस जंग में लड़ने के लिए इनसे इन्होंने 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार जीते थे। दूसरा अहम रूस के लिए बेहद खास है क्योंकि इसी हफ्ते रूस में संविधान में बदलाव भी होने वाला है, इससे पुतिन के 2024 के बाद भी सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा और इसीलिए ये विक्ट्री डे परेड काफी खास है। और साल के शुरुआत में ही पुतिन पहले ही कह चुके थे कि इस बार बहुत भव्य और खास होने वाली है विक्ट्री डे परेड। पुतिन देश में राष्ट्रवाद की भावना के लिए विक्ट्री डे परेड को काफी तवज्जो भी देते हैं और आपको बता दें कि 2008 से इस परेड में हथियारों और टैंकों को शामिल करने की शुरुआत भी हुई थी। दो तस्वीरें विक्ट्री डे परेड और इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस में ही मौजूद है इस परेड में, वो भी एक मेहमान के तौर पर शिरकत कर रहे हैं 75वीं विक्ट्री डे परेड जिसमें 13,000 सैनिक आर्मी के 234 व्हीकल मिसाइल और टैंकों के साथ मार्च पास्ट हो रही है। 75 प्लेन फाइट्स यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков.
सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर की जीत की याद में ही इस विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। मॉस्को की तस्वीर जहां पर भव्य विक्ट्री डे परेड में भारत के जाबाज भी पहुंचे हैं। 75 सदस्यीय टुकड़ी आर्मी एयरफोर्स और नेवी के सैनिक इसमें शामिल हैं और इसकी अगुवाई हिंदुस्तान की इस टुकड़ी की अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर्स कर रहे हैं। इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था और जंग में लड़ने के लिए 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार हासिल किए थे। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि परेड की खास बातें तो हम बता रहे हैं लेकिन इस परेड का महत्व देखिए क्योंकि खुद रक्षा मंत्री गौरव इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और यहां से एक संदेश दिया जा रहा है चीन को भी। इस बीच गौरव रोकूंगी आपको, ये वही भारतीय दल है जिसकी बात हम कर रहे थे, 75 सदस्य, ये वही टुकड़ी है आर्मी एयरफोर्स और नेवी की और इसकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर्स कर रहे हैं। गौरव के पास चलेंगे। गौरव, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात तो है ही क्योंकि वहां पर हिंदुस्तानी जवान भी इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहां से उसी मैदान से मॉस्को से ये बड़ा संदेश चीन के लिए भी है। आपने बिल्कुल सही कहा नवजोत, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 87,000 भारतीयों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इसमें 4,000 से ज्यादा बैटल ऑनर्स और गैलेंट्री मेडल भारतीय सिपाहियों को मिले थे द्वितीय विश्व युद्ध में। चाहे वो यूरोप की लड़ाई हो चाहे अफ्रीका की लड़ाई हो, उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर भारतीय सेना ने एक बहुत ही वीरता का काम दिखाया था और जो जिसे ऑनरेबल वॉर कहते हैं, जो बिल्कुल नियम के अनुसार युद्ध होता है वो भारतीय सेना ने लड़ा था और इसीलिए भारतीय सेना का बहुत सम्मान था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बहुत सम्मान था। रूस में भी अगर बात करें तो रूसी ऑनर्स भी भारतीय सेना को मिले थे और वही आज भारत को जो सम्मान मिल रहा है, 2015 में भारत ने भाग लिया था, अब 2020 में जब 75 वर्ष हो गए हैं एलाइड विक्ट्री के, रूस की जीत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी के खिलाफ, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसमें भारत की अहम भूमिका थी और संभवतः ये वही एक दोस्ती है जो अब और मजबूत लगातार होती जा रही है। हमने 1971 की बात की लेकिन अगर आप 2020 में भी देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब चीन की तरफ से संकट के बादल आए तो सबसे पहले भारत अपने मित्र रूस के पास गया और रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि जो युद्ध के साजो सामान भारत को चाहिए वो जल्द से जल्द रूस मुहैया कराने का प्रयास करेगा। ऐसा रूस ने अपना वादा पहले निभाया भी हुआ है और अभी उम्मीद भी यही है। खासतौर पर एम्यूनिशन की अगर बात करें, हमारे पास कई 50% से ज्यादा जो भारतीय सेना के पास सामान है, भारतीय सेनाओं के पास आर्मी नेवी और एयरफोर्स 50% रूस में निर्मित है, तो उसका जो एडिशनल एम्यूनिशन भारत को चाहिए, गोलियां चाहिए, बारूद चाहिए, रॉकेट्स चाहिए, मिसाइलें चाहिए, तोपों का सामान चाहिए, वो सब रूस ने कहा जिस संख्या में भारत को आवश्यकता है वो जल्द से जल्द भारत को मुहैया कराए जाएंगे। भारत के जो हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है IL-76, जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं IL-78, जो वॉर हॉर्स है भारतीय वायुसेना का AN-32, ये सारे ट्रांसपोर्ट विमान रूस में निर्मित है। जो हमारा Mi-17 हेलीकॉप्टर है वो रूस में निर्मित है। भारत को नए हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चाहिए, संभवतः वो रूस से ही आएंगे। लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए तो आप रफाल, मिराजेस और जैगवार्स को अगर अलग रखें तो हमारे MiG-21 से लेकर MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर और Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स, और Su-30 की अगर बात करें तो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम, और रूस और भारत का जो संबंध है ब्रह्मोस मिसाइल
हमारी ब्रह्मपुत्र और उनकी मस्कोवा नदी दोनों का मिश्रण जिसे कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर दूर तेजी से जाके दुश्मन को नेस्त नाबूद कर सकती है ये मिसाइल। और सुखोई 30 पर जब ब्रह्मोस मिसाइल लद जाती है तो दुश्मन इसमें कांप जाता है, ऐसा भारत का मानना है। और इसीलिए हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए थंजावुर में जो अभी नया एयरबेस बना है वो सुखोई 30 ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ ही बना है। नवजोत, बिल्कुल गौरव, ऐसे में देखिए जिस तरीके से राजनाथ सिंह वहां पर जाते हैं और चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये कहा जाता है, पहले ये खबर आती है जो झूठ फैलाया जाता है कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री वहां के रक्षा मंत्री भी क्योंकि चीन के वहां पर मौजूद होंगे तो दोनों के बीच बातचीत होगी, ये दिखाने की एक तरीके से कोशिश करता है कि चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन राजनाथ सिंह उसके बाद इस बात को क्लियरली स्पष्ट कर देते हैं कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, भारत और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उन्हीं को और मजबूती देने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं और चीन से कोई बातचीत नहीं होगी। ये संदेश हिंदुस्तान की तरफ से कड़ा संदेश देने की कोशिश जो दी गई चीन को, और उस बीच जो हर स्तर पर चीन को बॉयकॉट करने की कोशिश हो रही है, यहां से ये दोस्ती कितनी मजबूत संदेश देती है चीन को भी। आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए यहाँ चीन भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है लेकिन चीन भी युद्ध नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हल्का सा भी युद्ध होता है या हल्का सा भी सेनाएं आमने सामने आती हैं, जैसा अभी यहाँ गलवान घाटी में हुआ लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर, तो हमारे 20 रणबांकुरे शहीद हुए लेकिन उन्होंने 40 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया और ये चीन भी जानता है। और चीन इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो इस पूरे युद्ध को हर क्षेत्र में फैलाए, लेकिन वो गीदड़ भभकी भारत को देना चाहता है। भारत को भी तैयार रहने की आवश्यकता है, युद्ध भारत भी नहीं चाहता, लेकिन जितनी शक्ति भारत के पास होगी युद्ध की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। और इसीलिए जैसा आप यहाँ पर आकाश में सुन भी सकती हैं, लगातार Su-30 लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट लेह के मैदान में, लेह के आकाश में गूंज भी रही है। और ये लड़ाकू विमान चाहे MiG-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स हो या Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स हो, ये लगातार संकेत दे रहे हैं कि भारत तैयार है। बिल्कुल गौरव, लौटूंगी आपके पास, लेकिन उस बीच ये ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक तस्वीरें रूस के भव्य विक्ट्री परेड में, जहां पर भारत के जांबाज भी पहुंचे हैं, रेड स्क्वायर पर मॉस्को में ये परेड चल रही है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितने गर्व का क्षण होगा हिंदुस्तान के लिए भी, और क्योंकि रक्षा मंत्री इस वक्त वहां पर बैठे हैं उनके लिए भी। हिंदुस्तान की 75 सदस्य टुकड़ी यहां पर है जो कि इस परेड में हिस्सा ले रही है, और बहुत खास है ये विक्ट्री डे परेड खासतौर पर पुतिन के लिए, क्योंकि इसी हफ्ते रूस में संविधान में बदलाव के लिए वोटिंग भी होनी है और इससे पुतिन के 2024 के बाद भी सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा, और इसीलिए इस साल की ये परेड बहुत खास है। इस परेड को काफी खास माना जा रहा है, और यहाँ पर ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि पुतिन देश में राष्ट्रवाद की भावना के लिए ही विक्ट्री डे परेड को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और 2008 में इस परेड में हथियारों और टैंकों को शामिल किया गया था। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो गर्व की बात है, क्योंकि 75 सदस्य वो हिंदुस्तानी टुकड़ी भी यहाँ पर मार्च कर रही है, ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत गर्व की बात है। निश्चित तौर पर सिख लाइट इन्फेंट्री ने द्वितीय महायुद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे इस समय के थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो भी सिख लाइट इन्फेंट्री के ही अधिकारी हैं, और सिख लाइट इन्फेंट्री इनका जो आदर्श वाक्य है देख देख फतेह, और ये हर युद्ध में फतेह हासिल करने में सक्षम भी हैं, और इन्होंने अपना लोहा मनवाया भी है, चाहे वो भारत पाकिस्तान सीमा हो, भारत चीन सीमा हो, किसी यूएन ऑपरेशन की बात हो, भारतीय सेना के जाबाजों ने हमेशा रण में ये अहम भूमिका निभाई है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर भारत चीन की बात करें तो हमारे अगर सिख ट्रूप्स हो, गुरखा ट्रूप्स हो, इन बहुत ऐसे ट्रूप्स हैं जिनसे चीन की सेना बहुत ही घबराती भी है, और अब तो उसमें हमारे बिहार रेजिमेंट के ट्रूप्स का भी नाम शामिल हो गया जिन्होंने निहत्ते हथियार न होने के बावजूद 40 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया, घायल किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार उठाकर फेंक दिया, खदेड़ दिया। ये वीरता की कहानी भारतीय सेना की है जो निरंतर और सैनिकों को भी और देश को भी लगातार उनका मनोबल बढ़ाती रहती है। लेकिन साथ ही ये भी बताना बिल्कुल सही होगा कि इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बेहद अधिक तनाव है भारत और चीन के बीच, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का ये दौरा
बेहद अहम है। देखना यह होगा कि जो हथियार सामग्री और हथियार प्रणालियां भारत को चाहिए वो कितनी जल्दी भारत को दे पाता है। नवजोत, 99 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो चीन ने अपनी सेना के हथियार निकालकर भारत को वो T-90 टैंक्स दे दिए थे। ये है दोनों देशों की दोस्ती। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कितना महत्व उस व्यक्ति का जो कि इस वक्त यहाँ पर इस परेड में शामिल है। और गौरव सावंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार तस्वीरें मॉस्को से ये दिखा रहे हैं हम आपको विक्ट्री डे परेड की, 75वीं विक्ट्री डे परेड। आपको बताएं कि इसका आयोजन हालांकि 9 मई को होना था जो पारंपरिक तारीख होती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये आयोजित हो रही है आज। और इस वक्त राजनाथ सिंह वहां पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यह ऐतिहासिक मार्च हो रही है और भारत की तरफ से 75 सदस्यीय टुकड़ी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सैनिक इसमें शामिल हैं, जिनकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर्स लगातार यहां पर कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें भारत के लिए गर्व की बात, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और यहां से एक संदेश चीन को भी बताने दिखाने की कोशिश की, जिस तरीके से चीन भले ही कितना भी झूठ क्यों ना फैला ले, कितना भी हर मोर्चे पर ये क्यों ना कह ले कि वो भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर जाते हैं और बात नहीं करते, संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान अपने स्टैंड पर अडिग है। गौरव सावंत, गौरव सावंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव। जी हाँ, इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना हमारे देश का विश्व में नाम ऊंचा कर रही है, उसका गौरव उसका मान बढ़ा रही है। रेड स्क्वायर के इस विक्ट्री परेड में, रेड स्क्वायर क्रेमलिन का यह इलाका, यह रूस की शक्ति का प्रतीक है। यहीं पर क्रेमलिन में पुतिन का, रशिया के राष्ट्रपति का
दफ्तर भी है, उनका सेना का मुख्यालय भी है और सत्ता का गढ़ भी है। और यहीं पर भारतीय सेना बड़े गर्व के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा ले रही है। सेना, नौसेना और वायुसेना और सिख लाइट इन्फेंट्री की पलटन, जिसने द्वितीय महायुद्ध में, हालांकि पहले महायुद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में सिख लाइट इन्फेंट्री ने भाग लिया था, स्वतंत्रता के बाद भी हर बड़े ऑपरेशन में सिख लाइट इन्फेंट्री की अहम भूमिका रही थी। और ये जो परेड है, ये भारत और रूस के बढ़ते संबंधों का भी प्रतीक है। जब 70 वर्ष हुए थे तब भी भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां पर गई थी, उस समय ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी थी, इस समय सिख लाइट इन्फेंट्री की टुकड़ी है। थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे भी सिख लाइट इन्फेंट्री के ही अधिकारी हैं। और ये सेना इस समय बहुत ही तेजी से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है और पाकिस्तान के साथ जो नियंत्रण रेखा है, दोनों पर इस समय सेना हमारी मजबूती से तैनात है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का ये दौरा उनको और अत्याधुनिक हथियार दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। और जिन हथियारों की आप और मैं बात कर रहे हैं, उसमें असोल्ट राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, लड़ाकू पनडुब्बियां, लड़ाकू जहाज, ये सब शामिल है। रूस के साथ एक फायदा भारत को और भी रहा है कि जो हथियार हम रूस से खरीदते हैं उसका जो पेमेंट प्लान है उसमें कई बार रूस, उसमें इतिहास में उसने हमको बहुत रियायतें भी दी है। और इस समय भी 50% हमारे युद्ध के हथियार प्रणालियां सब रशिया से ही आए हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो जो सबसे अधिक भारत को जिसकी आवश्यकता है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, Su-30 एयर डोमिनेंस फाइटर्स ब्रह्मोस मिसाइल के साथ और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ MiG-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स, ये सब हमें रूस से चाहिए। और रूस ने यह आश्वासन दिया है भारत को कि वो जल्द से जल्द नवजोत इन्हें भारत को देने का प्रयास करेगा। जी गौरव, बहुत खास, बहुत अहम ये दिन रूस के लिए, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। विक्ट्री डे परेड मॉस्को से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं।